यू रिमेम्बर, आपको ये जगह याद है? एक बार आप घूमने आए हैं, लेकिन घूमने के आने के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी हो गया। मायरा, दिस समथिंग इज गोइंग टू कम नाउ। कुछ पता चला आपको? क्या पता चला? यस, वी आर नॉट गोइंग टू एयरपोर्ट, वी आर गोइंग इन फ्लाइट। हाँ, आपको ट्रेन बोला था, बट हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में, सो वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट। यू स्टिल नॉट बिलीविंग? थोड़ी देर में एयरपोर्ट आ जाएगा। पिंच, जोर से पिंच करूं? कैसा लगा सरप्राइज? यू रिमेम्बर, आप थे, हम लोग यहाँ पे बैठे थे और अपने को वो टाइगर श्रॉफ यहीं पे बैठा हुआ दिखा था। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट पहुंच गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। मायरा, हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, नाइस। कैसा लगा आपको सरप्राइज? एकदम बहुत अच्छा, शॉकिंग लगा। बहुत अच्छा और शॉकिंग लगा। हम लोग जो है बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी भूख तो लग नहीं रहा, बिकॉज बहुत जल्दी है खाने के लिए। बट एनीवे, कुछ हम लोग जो है थोड़ा बहुत एयरपोर्ट में खा लेंगे। और हम लोग जा रहे हैं जो है वो है बैंगलोर। बैंगलोर के अलावा बहुत सारे मल्टीपल डेस्टिनेशन हैं। अभी फिलहाल के लिए तो हम बैंगलोर जा रहे हैं, बट बैंगलोर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो वीडियो पे जो बने रहिएगा एंड तक, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और यस, ये ट्रिप बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, तो खाने में मैंने जो मंगा दिया वो इडली मंगा लिया और एक कॉफ़ी। अब ये खा लेते हैं और फिर जो है फ्लाइट के लिए जाएंगे। आज की हमारी उड़ान पर क्रू इंग्लिश और हिंदी में बोल सकते हैं। अपनी यात्राओं को अधिक लाभदायक बनाएं और स्टार अलायंस नेटवर्क पर ग्लोबल प्रिविलेजेस का आनंद लें। पैसेंजर जो है फ्लाइट में जब बैठते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले ही बैठे हुए हैं। एक बंदा जो है मेरे पैरेलल साइड में जो है वो बैठा हुआ था और मेरे बाजू में नहीं था, पीछे था, बट वो सो रहा हुआ था और इतनी ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग कर रहा था ना, मुझे तो ये सोच उसके समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाजू में जो बंदा बैठा था वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा था। वी हैव रीच्ड बैंगलोर। होटल पहुंचने तक करीबन 1.5 घंटा लगा। 1 घंटा लगा, 1.5 आवर लगा, बिकॉज एयरपोर्ट जो है वो सिटी से काफी दूर है, तो वहां से आने के लिए बहुत टाइम लगा। ट्रैफिक, यस, सिमिलर टू बॉम्बे के जैसे ही पूरा ट्रैफिक वगैरह है।
तो वो सब ट्रैफिक करके, और मेन चीज क्या था कि पीक टाइम पे हम आए तो इसके लिए हमें ट्रैफिक ज्यादा मिला। यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ द चांसलर पेविलियन, सो रूम मिल चुका है। वैसे चेक इन टाइम जो है वो 2 बजे का है, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट किया सो रूम अवेलेबल था तो उन्होंने कोऑपरेट किया और जो है रूम हमें उन्होंने जल्दी अर्ली चेक इन के लिए अलाउ कर दिया है, सो रूम या विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, सो दैट इज अ गुड पार्ट। तो रूम दिखाना तो बनता ही है। जैसे ही रूम में एंट्री करेंगे सो राइट साइड में जो है ये वॉशरूम और बाथटब है, सो मायरा के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टॉयलेटरी वगैरह है और यहाँ पर हेयर ड्रायर दिया, सो काफी नीट एंड क्लीन है। लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर एक क्लोजेट है आयरन, सो ये एक सेफ है, यहाँ पर अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर रखना है बाहर लेके नहीं जाना चाहते हो तो वहीं पर रख सकते हो। हाय मायरा। तो यहाँ पर कॉफी का सब सामान रखा हुआ है। किंग साइज बेड है, मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट स्पॉट रहता है मेरा हर एक होटल में जहां पे भी मैं जाता हूँ। यहाँ पे एक और डेस्क दिया हुआ है सो आप अगर कुछ भी काम करना वो कर सकते हो। सिटिंग एरिया सोफा जहाँ पे मायरा के ब्राउनी और जो है स्नोई वो ऑलरेडी रेस्ट कर रहे बिकॉज वो काफी थक गए ना मायरा। एक छोटा सा पेंटिंग व्यू अगर मैं बोलूं तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। सो ये पार्किंग एरिया है, स्विमिंग पूल है बट वो उस तरफ फेसिंग है तो वहां पर रूम अवेलेबल नहीं था। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद बाहर जाएंगे सिटी एक्सप्लोर करेंगे बैंगलोर में। तो बैंगलोर में घूमने आए हैं लेकिन घूमने के आने के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी हो गया, मैं जाके बाहर जाके वो काम करके आया हूँ। एक्चुअली हमारे सूटकेस का व्हील डैमेज हो गया था सो उसे रिपेयर करना भी इम्पोर्टेंट था। दिस माइट हैव हैपेंड व्हाइल हैंडलिंग इट एयरपोर्ट, तो हमें और भी ट्रैवलिंग करना है तो हमने सोचा कि इसको बना ही देते हैं नहीं तो फिर और प्रॉब्लम फेस होगा। यहाँ पे ओला उबर चलता है बट 3 बार कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद फिर होटल स्टाफ को बोला तो उन्होंने जाके एक रिक्शा वाले को उन्होंने यहाँ पे फिक्स किया। ये व्हील्स बनाने के लिए 1200 रुपीज पे करना पड़ा। और मायरा आप हो गया आप फ्रेश एकदम? थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। सो थोड़ी देर हम होटल में रेस्ट करने के बाद हम लंच करने के लिए निकले। लंच करने के लिए हमने डिसाइड किया कि शिवाजी मिलिट्री होटल में जो है हम लंच करेंगे। सो हम होटल में पहुंचे सो सबसे पहला जो चीज था वर्स्ट क्राउड मैनेजमेंट है, नो टोकन्स नथिंग, और वेटिंग टाइमिंग जो है वो मोर देन एन आवर टू गेट अ सीट। और सबसे इरिटेटिंग पार्ट क्या है पता आपको, कि आपको अगर टेबल चाहिए लंच कर रहे वहां पर उसके पीछे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। पार्सल लेने के लिए आपको 2 ही ऑप्शन है, एक है चिकन बिरयानी और एक है चिकन सूखा। सो बहुत डिसाइड करने के बाद मोर देन एन आवर जो है हमने डिसाइड किया कि हम पार्सल ले लेते हैं और होटल में जाके हम खा लेंगे। बट सच बताऊं तो बहुत ही हाइप्ड अप है, ज्यादा कुछ मुझे ऐसा टेस्टी लगा नहीं कुछ भी। बिरयानी का जो क्वालिटी है वो बिलो एवरेज है। मटन सूखा इतना च्यूई रहता है, इतना च्यूई कि आप पूछो मत।